हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप यू गाइस डूइंग वेल। एंड इस वीडियो में आज मैं सेटाफिल ऑयल क्लींजर एंड सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर दोनों का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग रिव्यू होने वाला है। तो सबसे पहले हम लेंगे सेटाफिल ऑयल स्किन क्लींजर को। जी हाँ, सबसे स्किन क्लींजर के बारे में, जो कि कॉम्बिनेशन से सेंसिटिव स्किन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑयली स्किन, जिसकी भी ऑयली स्किन होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाला क्लींजर। उसके लिए आप इसे पिक कर सकते हैं। और सबसे पहला इंग्रेडिएंट की बात करें तो विटामिन B3, जो कि आपके एंटी एजिंग है, यानी आपके जो एजिंग इफेक्ट आपकी स्किन पर दिखाई दे रहा है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करता है, आपके जो ओपन एंड लार्ज स्पोर्स हो गए हैं उसको मिनिमाइज करेगा, और आपकी स्किन को थोड़ा क्लियर करने में ये हेल्पफुल है। फाइन लाइन्स को भी बहुत रिड्यूस करेगा। विटामिन B5 की बात की जाए तो स्किन इलास्टिसिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी आपकी स्किन लूज़ हो गई है ना, तो वो फिर से वही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइट स्किन हो जाएगी आपकी। और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र करता है, हाइड्रेट करता है, पीएच को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके ट्रीट एक्ने, यानी एक्ने स्कार्स वगैरह या एक्ने हो रहे हैं तो उसको भी ये B5 हेल्प करेगा रिड्यूस करने में। और डीपली क्लींजर है, जी हाँ, ऑयली स्किन क्लींजर सेटाफिल का डीप स्किन को क्लींस करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, और आपकी स्किन पर जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो गए हैं उसको रिमूव करता है। काफ़ी बार मैंने इसको ट्राई किया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और ग्लो लाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, और मुझे मेरा फेवरेट हो चुका है। डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो आप इसका, मैंने इसका सिर्फ सैंपल लिया था कि मैं देखती हूँ कैसा है ट्राई करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो हम सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर है, जिसके MRP रेट हैं 305 रुपीज़, शायद आप थोड़ा सा बढ़ गए हों या घट गए हों, आप देख लीजिएगा। और हमेशा इसकी वेबसाइट से ही ऑर्डर करें, क्योंकि इसमें फेक भी आ रहे हैं। 125 ml क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र करता है और मॉइस्चराइज़र इफेक्ट देती है, और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, हीलिंग करती है, जो भी स्कार्स वगैरह उसको हील करने में हेल्पफुल है, एजिंग से रोकती है। एंड विटामिन B3 की बात करें तो हम, मैंने उसमें प्रीवियस में भी बताया था कि सेटाफिल वाले में ही बताया था, और स्किन क्लींजर में भी B3 यूज़ किया गया है। एंटी एजिंग है, रिड्यूस ओपन पोर्स को भी ये कम करेगा, और फाइन लाइंस को कम करता है। B5 ऑल्सो स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, लूज़ हो जाती है स्किन, ओपन पोर्स जो ज़्यादातर होते हैं तो स्किन लूजनेस से ज़्यादा होते हैं, तो अपना ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं और डाइट को ओवरऑल अच्छा मेंटेन करे रखें। एक्ने को भी ट्रीट करता है B5, ठीक है। तो स्किन टाइप ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन आराम से यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वालों के लिए है, और क्रीमी टेक्सचर है। पर हाँ, डीप क्लींस की बात करें तो ये डीप क्लीन कभी भी नहीं करता, जब आप धूल में से बाहर से आते हैं तो बिल्कुल एक नॉर्मली, जैसे डव साबुन है इस टाइप का कुछ इफेक्ट देता है, और नॉर्मली आप इसे जब लगाते हैं चेहरे पर तो कपड़े से वाइप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वाटर से तो आप आराम से वॉश कर ही सकते हैं। आपके रिव्यू मैंने बता दिया, रिमूविंग डर्ट को कम्प्लीटली नहीं करता, इरिटेशन को कम करता है, डीप क्लींस नहीं करेगा, स्किन का pH को हाँ बैलेंस करना है, और स्किन मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड हाइड्रेट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिसकी स्किन ओवर ड्राई है, सेंसिटिव है, से आराम से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। पर जो जो इसकी मैंने बता दिया टर्म एंड कंडीशन है वो सारी मैंने बता दी हैं, उसको देख के आप देख लीजिए कि आपकी स्किन से मैच होता है नहीं, और इसे नॉर्मली यूज़ करने का तरीका मैंने कर दिया है। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज़ कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें, और अपना ध्यान रखें।